आइए सो नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है राइट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक प्रॉब्लम है ये ओवरहेड का राइट जहां पे अपने को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपने प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनाएंगे एंड फिर उसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे और फिर नया जॉब कॉस्ट शीट बनाना है राइट तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है तो आ जाइए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मेरा एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए उसी में मैं नॉलेज दे रहा हूँ अदरवाइज ये सब चीज हमारा क्लास डिस्कशन में कवर्ड है सो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं राइट इस टाइप का सम्स आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है सो सबसे पहले हमारा बनेगा पार्ट 1 का आंसर कर रहे हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट P1, P2, P3, S1, S2 सबसे पहला एलोकेटेड ओवरहेड में हम लोगों ने देखा है डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल जो कि अपने डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेते लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस है दैट बिकम्स इनडायरेक्ट फॉर द प्रोडक्शन राइट सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट है दैट बिकम्स इनडायरेक्ट फॉर द प्रोडक्शन इज दैट इट ओके सो कितना है 187,500 एंड देन वी हैव 62,500 अच्छा डायरेक्ट मटेरियल है नहीं इस सब में होता तो देख लेते अपने देन अपने करेंगे अपोर्शन्ड ओवरहेड लाइन से पहले सबका नाम लिखेंगे रेंट जनरल लाइटिंग इनडायरेक्ट वेजेस पावर डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी राइट इज दैट फाइन हाँ समझ में आ रहा है सबको चलिए डिवाइड करिए आप लोग
सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? नाउ डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकालो, ठीक है? डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बताइए, 375, 2.5 लाख, 375, 187,562,500। नाउ आप देख सकते हैं ध्यान से, जैसे अगर हम 62,500 अगर कॉमन लेते हैं तो उसका डबल होगा 125, फिर उसका 3 गुना होगा 375, तो ये आएगा 6:4:6:3:1। सिक्स फोर सिक्स थ्री वन। तो 20 आ रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस है 187,500। आ जाइए डिवाइड करिए, 187,500 को डिवाइड बाय 20, सम 20 आ रहा है जो भी आ रहा है, इनटू 6, तो यहाँ पे आएगा 56,250, इसका भी 56,250। इधर में आ रहा है 37,500, और ये आ रहा है 9,375। राइट, नाउ पावर, पावर होगा एचपी ऑफ मशीन 60, 30, 50, 10, तो 10 कॉमन ले लो, 6,351, लास्ट वाला में नहीं जाएगा, 15 आ रहा है टोटल, तो पावर है 25 लाख। बाप रे बाप, पावर है 25 लाख। ठीक है, सो 25 लाख डिवाइडेड बाय 15 into 6, तो ये आ रहा है 10 लाख। इधर आएगा 5 लाख। इधर आएगा 8,333,333,166,667। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का रेशियो बताओ, कॉस्ट ऑफ मशीनरी का रेशियो कितना आ रहा है बताइए? कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ है 30 लाख 40 लाख 50 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख, तो 2.5 लाख कॉमन ले लो, तो यह आएगा 12, 16, 20, 1, 1, 12, 16, 20, 1, 1, 12, 16, 20, 1, 1, सो दैट कम्स टू 22, 50 आ रहा है, द टोटल इज 50, यहाँ पर भी सेम होगा, 12, 16, 28, 20, हाँ 50 आ रहा है, कितना है? डेप्रिसिएशन है 5 लाख और ये है 2 लाख, तो 5 लाख को डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आएगा 10,000, 10,000 × 12 आएगा 1,20,000, 1,60,000,
2 लाख, 10,000, 10,000 राइट, 2 लाख डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 12 इज 48, 4,000 इंटू 16 इज 64, 4,000 इंटू 20 इज 80,000, 4,000 इंटू 1 इज 4,000, देन 4,000. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू डू द टोटल. तो ये आएगा टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. ठीक है, तो बेसिकली ये सब हमारा कैलकुलेशन टेस्ट हो रहा है, ये सब क्वेश्चन का क्वालिटी में कुछ है नहीं ऐसे देखा जाएगा तो. राइट, बताइए कितना आ रहा है, हाउ मच, 14,74,250, उसके बाद 11,05,250, ठीक है, उसके बाद 16,07,083, उसके बाद 6,46,292, देन 179,625. नो, इतना बड़ा बड़ा सम का रिपीटेड मत करने जाना, ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ डूइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देख के बोल रहा है कि S1 S2 को दे रहा है, फिर S2 S1 को दे रहा है. क्या रेशियो बोला है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोल दिया है कि S1 10% दे रहा है S2 को और S2 दे रहा है 10% S1 को, तो रेट सेम है. लेट S1 बी X, X2 बी Y, तो S1 का 646,292 तो है ही, प्लस 10% ऑफ H2 आएगा इसका 179,625 तो है ही, प्लस 10% ऑफ X आएगा इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन टू, तो y इज इक्वल्स टू 179,625 प्लस 10% ऑफ 646,292 प्लस 10% ऑफ y, और y इज इक्वल्स टू 179,625 प्लस 10% of this is 646,92 plus 0.01y or 0.99y is equals to, skip करेंगे step, उतना time नहीं है भैया हमारे पास, तो 179,625 plus 646,29 आएगा ना, 29, that is 244,254,
और y is equals to this divided by 0.99 246721 simultaneous equation से solve करके ही आया. अब y का value equation 1 में बैठा देंगे. Putting the value of y in equation 1, तो x आएगा 646292 plus 10% of 246721. Plus 24672. So 670964. Is that fine? अभी अपने बनाएंगे क्या secondary distribution statement. क्या बनाएंगे हम लोग? Secondary distribution स्टेटमेंट क्या बनाने वाले हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. तुम्हारा बनेगा अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. Total overhead as per PDS primary distribution statement ऊपर से copy होगा 14,74,250 right बताइए 11,05,250 उसके बाद 16,07,083 उसके बाद 646 नो और बेसिस में लिख दिया गलती से क्या बोलेंगे ऐसे टाइम ज़्यादा लग रहा है और इस टाइप का मिस्टेक राइट 646292 तभी अपने को करना है रीअपोर्शनमेंट ऑफ एस वन टू रेशियो क्या है 2341 2341 तो मैं बांटूंगा कौन सा वाला 670964 बांटूंगा राइट डिवाइडेड बाय 10 टोटल 10 आ रहा है इनटू 2 134
386. अब मैं बांटूंगा रीअपोर्शनमेंट ऑफ एच टू टू पी वन पी टू पी थ्री एंड एस वन, इसका क्या रेशियो है? 4-2-3-1, 4-2-3-1, तो यहाँ मेरा बटेगा जो आया था दैट इज 246721, 246721, ये आएगा 98688, फोर नाइन थ्री डबल फोर, राइट। मेरा टोटल ओवरहेड आ जाएगा बताइए, इन दोनों में तो नील आ जाएगा। वन फोर सेवन वन सेवन जीरो सेवन 1-3-1, 1-3-5-5-8-8-3, 1-3-5-5-8-8-3, टू सिक्स एट थ्री एट सिक्स प्लस सेवन फोर जीरो वन सिक्स, वन नाइन फोर नाइन फोर एट फाइव। नॉट डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है सबका, कितना कितना है 6225 आवर्स, 4050 आवर्स, 4100 आवर्स, सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दैट्स टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय आवर्स, दिस डिवाइडेड बाय 4100, तो ये आएगा 475.5
1348. Then we have 1355883 divided by 4050. 334.79. Okay, then 1707131 divided by 6225. 274.24. तो ये हमारा पार्ट वन हो गया. Is that fine, everyone? You there at the back? ठीक है. पार्ट टू में हम लोगों को बोला गया है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालिए. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स नाम है क्या? ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो ये लो हमारा आ गया कहाँ जा रही हो? तो ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, P1 का 5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा. इसका है 274.24. ठीक है, इसमें है 334.79, इसमें है 475.48. राइट, आ जाइए फटाफट बताइए कितना आ रहा है. 10 कितना आ रहा है? 1371. राउंड ऑफ कर लो. ठीक है, 1004, फिर 1902. करो टोटल, करो. +1371+1004+1902
14277 राइट, ये हमारा कॉस्ट आ गया, इसको अपने बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ गया सबको? इज दैट फाइन? सो ये इजी था बट लेंदी है, कैलकुलेशन चेक हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ रहे हैं जिसमें कैलकुलेशंस चेक हो रहा है आपका, राइट, एंड कुछ कुछ जिसमें नॉलेज लगाना है। इसमें नॉलेज का ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज दीज आर इजी सम्स, राइट।